आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शेयर कर रहा हूँ, जो कि आईपीसी की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120B पर आधारित है। साथियों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल की गई थी अपीलार्थी के द्वारा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दिया जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपियों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी उसे रद्द कर दिया गया। अब साथियों, इस केस की स्टोरी क्या है मैं आपसे शेयर करता हूं, और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। तो साथियों, इस केस की स्टोरी में फरियादी ने, ये जो केस है ये है हापुड़ ज़िला है उत्तर प्रदेश में। हापुड़ ज़िला में फरियादी ने कोर्ट में 156(3) के अंतर्गत केस फाइल करते हुए ये बताया कि अरुण महेश्वरी नाम का जो व्यक्ति है 1995 से सन 2000 के बीच में उस व्यक्ति ने फरियादी और अन्य लोगों से कुबेर म्यूचुअल बेनिफिट नाम की कंपनी में निवेश करने के लिए पैसे लिए, और उसके कुछ समय बाद वो व्यक्ति ना तो उसने पैसे लौटाए और ना ही वो व्यक्ति उन लोगों को मिला। उसके बाद वो व्यक्ति हापुड़ ज़िले से कहीं दूसरी जगह भाग गया। हापुड़ ज़िले से भागने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया फरियादी के पास, जो इस केस में फरियादी था। अब साथियों, जब उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया तो उसके बाद जो आरोपी था जिसने कि लोगों के पैसे निवेश करने के नाम में से ठगी किया था, उसने क्या किया, उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब वो जो प्रॉपर्टी उसने बेची उसको ख़रीदा था इन दो महिलाओं ने, जिन्होंने जो कि इस केस जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कि एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो इस केस में जब परिवाद दायर किया था फरियादी ने सीजीएम के पास, तो उन्होंने 6 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। उन 6 लोगों में से 4 तो अरुण महेश्वरी के लोग थे और 2 ये महिलाएँ थीं। इन महिलाओं का रोल यह था कि इन्होंने वो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी इस केस में, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने परचेज किया था। तो साथियों, इसके बाद ये जो महिलाएं हैं, इन्होंने जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया तो ये सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेशिंग के लिए पिटीशन फाइल किया। वहां से इनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया। इसके बाद ये एग्री होकर के इन्होंने इसकी क्रिमिनल अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया और एफआईआर को रद्द कर दिया गया। तो साथियों, इस केस में जो फैक्ट बताए गए हैं कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया गया, आप समझिएगा कि जैसा कि मैं और कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अमूमन जो कोई धोखाधड़ी के मामले होते हैं और जहाँ कहीं भी फॉर्जरी होती है, तो उस तरह के मामले में जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं उनके ऊपर वही धाराएं लगा दी जाती हैं, और एक 120B की धारा लगा दी जाती है। 120B की धारा, साथियों पता है ये कॉन्स्पिरेसी होती है। अब कॉन्स्पिरेसी जो वर्ड है, ऐसा कोई इसकी एक लाइन डेफिनेशन नहीं है। कॉन्स्पिरेसी ये जो षड्यंत्र बताया गया, षड्यंत्र में पुलिस वाले कई बार क्या करते हैं, कई सारे लोगों को ऐड कर देते हैं मुकदमे में, और उसके बाद फिर आप कोर्ट में साबित करते रहिए कि आपकी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उस केस में भी यही हुआ था। अब अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को परचेस किया था तो उनके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी की धारा लगा करके बाकी सारी धाराएं लगा दी गई हैं। तो इस केस में साथियों, जो दलील दी गई, तो सबसे पहले तो जो अपीलार्थी है, जिन दो महिलाओं ने जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने जो क्रिमिनल अपील फाइल किया, उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्होंने पहली बात कि उनका केवल रोल ये है कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सन 2019 में परचेज किया है। दूसरा ये है कि जिस प्रॉपर्टी को बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी अटैच्ड है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसमें ऐसा बताया जा सके कि इस प्रॉपर्टी को फरियादी के पास अटैच किया गया है। तीसरा है साथियों कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी नहीं है। कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं था कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो इस आधार पे उन्होंने बोनाफाइड इंटेंशन से प्रॉपर्टी को परचेस किया था। उनका कोई रिलेशन नहीं था जो आरोपी हैं, उन्होंने केवल प्रॉपर्टी को परचेज किया, केवल इस आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, तो ये गलत है। इनका कहना है कि दिस इज द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, और ये अननेसेसरी उनको हरास करने के लिए किया गया है। इसके बाद जब जो दूसरा पक्ष है, जब सरकार ने अपने फैक्ट प्रस्तुत किए, तो
तो उसमें गवर्नमेंट एडवोकेट का ये कहना था कि इन्होंने जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, इन्होंने उस प्रॉपर्टी को परचेस किया है। वो प्रॉपर्टी पहले से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, इसलिए इन्होंने उसको परचेस किया है। इन्होंने कॉन्स्पिरेसी के तहत, इन्होंने जो मुख्य आरोपी है उससे मिल करके इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है, इसलिए इनके खिलाफ जो FIR है उसको क्वैश नहीं किया जाना चाहिए। आप साथियों, जब दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इसमें जब कोर्ट ने जब फैसला लिखा, तो कोर्ट का ये कहना था कि यहाँ पे जो मुख्य तथ्य ये है कि इस प्रॉपर्टी को 2019 से परचेस किया गया है। ये जो दोनों अपीलार्थी हैं तो इनका रोल केवल ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टी को परचेस किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी को बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो ऐसा कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पे, मतलब इस पे रिकॉर्ड पे नहीं है कि जिसमें ऐसा बताया जा सके कि ये जो क्वेश्चनेबल प्रॉपर्टी है, या तो ये अटैच की गई थी, या फिर ऐसा कोई ऑर्डर है कि इसको अटैच किया गया है, या फिर वर्तमान में वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड में नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट। और कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि जब इस बारे में जब रिस्पोंडेंट से पूछा गया, जो जो गवर्नमेंट एडवोकेट से पूछा गया कि आखिर मटेरियल फैक्ट क्या है इस केस में जो बता सके कि इस लेडी, ये जो महिलाएं हैं, जो इन लोगों ने जो जो इस केस में जो अपीलेंट हैं, तो उनका प्रॉपर्टी को परचेस करने के अलावा और कौन सा मटेरियल फैक्ट है जो ये बताता है कि इन लोगों के बीच कॉन्स्पिरेसी है, और इन लोगों ने 420, 406, 467, 68, 71, 120B का जो ऑफेंस है उसको किया है। तो उस पर गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कोर्ट ने इस बात को देखते हुए, कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे प्रथम दृष्टया ही समझ में आ रहा है, प्रमाण फैसला समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो मुकदमा नहीं बन रहा है। दैट इज़ द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। और इस प्रकार से उनको अगर इस मुकदमे में अगर इस FIR को रद्द नहीं किया जाता है, तो कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से उनको बिना अननेसेसरी उनको परेशान करना होगा। तो ऐसा कहते हुए कोर्ट ने इस FIR को रद्द कर दिया गया। तो साथियों, मैं आपको कंक्लूड करूं इस वीडियो को, तो आप देखेंगे कि जितने भी इस तरह के मुकदमे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति का रोल हो। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको केवल कॉन्स्पिरेसी के नाम पे आपको केवल फंसाया जा रहा है, केवल 120B धारा लगा करके बाकी सारे धारा आपके ऊपर लगा दी जा रही है, तो आप वहाँ पर या तो FIR को क्वैश करा सकते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया। पहला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई गई 42, उसके बाद डिसमिस होने के बाद क्रिमिनल अपील फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा तरीका है, आप डिस्चार्ज के टाइम पे भी आर्गूमेंट कर सकते हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे किस प्रकार से क्या पावर है कोर्ट पर, उस पर मैं एक आने वाले टाइम में आपको जानकारी दूंगा, कुछ जजमेंट शेयर करूंगा डिस्चार्ज के ऊपर। तो आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से डिस्चार्ज की भी जो प्रोसेस, जो एक स्टेज होता है कोर्ट में से, ट्रायल कोर्ट में, तो आप वहाँ पर भी आप आर्गूमेंट कर सकते हैं कि जो धारा लगाई गई है वो एक प्रकार से उनके ऊपर अननेसेसरी लगाई गई है, उसका कोई रिलेवेंट, कोई इंग्रेडिएंट मैच नहीं कर रहे हैं जो ऑफेंस है या फिर जो एक्ट है आपका, तो आप वहाँ पे भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आपका जो केस है वो अगर वो डिसमिस होता है, अगर डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं जज, तो आप उसके अगेंस्ट में रिवीजन में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। उस बारे में आपको मैं सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा किस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे जो मैंने जानकारी आपसे साझा किया है। अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं, या फिर आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।